अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ फ्रूट जेली केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही हेल्दी भी रहेगी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कीवी। पहले कीवी को हमें छील लेना है, इसका पूरा जो कवर है निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ भी ली है, अंगूर लिए हैं, आप चाहे तो जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर खरबूज़ा भी लिया है। सीजनल फ्रूट्स जो भी आसानी से आपके पास मिल रहे हैं उसके साथ आप ये जेली फ्रूट केक बना सकते हैं। तो पहले हम कीवी काट लेंगे। तो इस तरह से आप काटें तो प्रेजेंटेशन में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ देखिए, अब मैं इस तरह से कीवी को काट लूँगी और हम इसे साइड में रखते जाएंगे। और इसके बाद हम स्ट्रॉबेरी कट कर लेंगे। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो डिफरेंट शेप्स में भी फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो इसके बाद मैं खरबूज़ा कट करूँगी। देखिए, खरबूजे को मैंने स्क्वायर्स में कट कर लिया है। तो सारे फ्रूट्स को आप कट कर लें और एक साइड में रखते जाएं। अंगूर को भी मैं कट कर लूँगी, आप चाहे तो हरे अंगूर भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं, तो ये डिश बहुत ही टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी रहेगी। अलग अलग कलर के फ्रूट्स लें ताकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखें। इसके बाद हम जेली बनाना शुरू करेंगे। जेली बनाने के लिए हमने पानी लिया है, देखिए 250 ml का मेरा ये 1 कप है, तो 2 कप पानी मैंने लिया है। मैंने पैकेट का ही इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है। देखिए, ये वाला जेली फ्लेवर मैंने लिया है, स्ट्रॉबेरी वाला, और इस पर लिखा था 500 ml आपको पानी ऐड करना है। तो मैंने मेजर कर 500 ml पानी डाल दिया। अगर थोड़ा कम भी डाले पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेली हमारी प्रॉपरली थिक और अच्छी बनेगी। तो जेली पाउडर जो है, फ्लेवर का पाउडर मैंने ऐड किया है पहले, और इसके बाद जेली वाला जो पाउडर आता है। तो 2 पाउडर पैकेट्स हमें मिलते हैं इसमें, तो दोनों को हमें मिला लेना है और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख लेना है। तो यहाँ पर अब हमारी जेली कुक होगी, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जेली कुक हो चुकी है अभी। तो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे और पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही हम इसको कुक करेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। जेली हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसके बाद हम इसको असेंबल करना शुरू करेंगे। जेली को हम हल्का गुनगुना होने तक थोड़ा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा होने तक नहीं रुकेंगे, नहीं तो थिक हो जाएगी। तो वार्म है तभी जेली को फ्रूट्स पर हम स्प्रेड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो फ्रूट्स कट कर रखे थे, अब इस तरह से एक टीन के कंटेनर में रख लूँगी। और अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल आप रखें, क्योंकि जो हिस्सा ये मैं अभी आपको बता रही हूँ ये टॉप पर आएगा जब हम एक प्लेट में जेली को पलट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं फ्रूट्स को रखूँगी। आपको जैसे पसंद है उस तरह से आप फ्रूट्स को रख लें और इसके बाद हम इस पर जेली को स्प्रेड करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी वार्म जेली ही इस पर जाएगी। एक स्पून की मदद से मैंने डाली है, स्पून को उल्टा रख लिया है और उसके ऊपर से डाला है, नहीं तो कभी कभी फ्रूट्स जो हैं फ्लोट होना शुरू कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ा ठंडा होने दूंगी इसको, और इसके बाद बाकी के जो फ्रूट्स मेरे पास हैं वो भी मैं इसके ऊपर रखना शुरू कर दूंगी। जैसे जैसे जेली ठंडी होना शुरू हो जाएगी ये थिक हो जाएगी, और जो बची हुई जेली है उसको मैंने गर्म पानी के बर्तन में रखा हुआ है ताकि वो जल्दी से ठंडी ना हो जाए, सेट होना शुरू ना हो जाए। इस वजह से आप क्या करें, एक बड़े बर्तन में गर्म पानी रख लें और उसमें ये वाला बर्तन रख लें ताकि जेली वॉर्म ही रहे,
अब देखिए और थोड़ा मैंने डाला है दूसरा लेयर, और बचे हुए सारे फ्रूट्स मैं अब डाल लूँगी, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, ग्रेप्स और खरबूजे, सारी चीज़ें इसमें डाल लें। और उसके बाद हमारा बचा हुआ जेली का जो लिक्विड है वो भी हम इसमें स्प्रेड कर लेंगे। जेली जो हम सेट होने रखेंगे इसे हमें फ्रिज में ही रखना है, याद रखें फ्रीज़र में कभी भी जेली को सेट होने के लिए नहीं रखें, नहीं तो ये पूरा आइस हो जाएगा और आपकी जेली पूरी ख़राब हो सकती है, तो फ्रिज में ही हमें इसे ठंडा करना है। ऐसे तो हम बाहर रखेंगे तो भी ये जेली सेट हो जाएगी। देखिए बचा हुआ लिक्विड भी मैं इसमें अब डाल लूँगी, और पहले हम इसे बाहर ही रखेंगे पूरा ठंडा होने तक, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। अब देखिए फ्रिज में रखकर 4 घंटे हो चुके थे तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, तो देखिए किस तरह से ये बर्तन से अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है जेली हमारी सेट हो चुकी है। तो मैं एक प्लेट में इसको निकाल लूँगी, तो अपसाइड डाउन हम करेंगे देखिए इस तरह से, फिर हम पलट लेंगे, ये इजीली निकल जाती है, बिल्कुल नहीं चिपकती है, तो इजीली यहाँ पर मैंने एक प्लेट में हमारा जेली फ्रूट केक निकाल लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी बना था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैंने लिया था जेली, तो ये बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप ये आइसक्रीम के साथ भी सर्व करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगेगा, ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये डिश। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी के लिंक को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।